सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल ऐसे मेडिसिन नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे मेडिसिन नॉलेज। दोस्तों, आज बात करेंगे टेबलेट ओवेटिकोलिक एसिड की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम क्या होते हैं, इस टेबलेट के यूज क्या होते हैं, इसके अलावा इस टेबलेट की साइड इफ़ेक्ट और डोज क्या होती है, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं ओवेटिकोलिक एसिड टेबलेट के कुछ फेमस ब्रांड नेमों की। इसका सबसे फेमस ब्रांड नेम है ओकाबाइल टेबलेट, इसके अलावा ओबिकोलर टेबलेट, FXR टेबलेट और ओबेटोहेप टेबलेट। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी सस्ता मिले उसे ख़रीदा जा सकता है। केवल उसका कंपोजिशन ओवेटिकोलिक एसिड होना चाहिए। अब बढ़ते हैं ओवेटिकोलिक एसिड टेबलेट के यूज की तरफ। इसका सबसे प्रमुख यूज है जॉन्डिस। इसके लक्षण जैसे आँखों के नीचे का रंग येलो हो जाना, बॉडी का रंग येलो हो जाना, इसके अलावा हथेलियों का रंग भी येलो हो जाना, बैठकर उठने पर धुंधला दिखाई देना, कमजोरी रहना, भूख ना लगना, बुखार रहना, इसके अलावा खाने के तुरंत बाद मल त्यागने की इच्छा होना और किसी किसी पेशेंट में पेट दर्द भी देखा गया है। तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा ओवेटिकोलिक एसिड टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट का लीवर फैटी हो गया हो, इसके लक्षण जो मैंने अभी पहले बताए हैं वही सब होते हैं, तो फैटी लीवर को भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा ओवेटिकोलिक एसिड टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन चल रही हो और वो लंबे समय तक चलनी हो, तो डॉक्टर द्वारा सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में ओवेटिकोलिक एसिड टेबलेट का यूज किया जाता है, जिससे कि लीवर पर किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन का ना होने पाए। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट शराब पी रहा हो, इसके अलावा यदि कोई पेशेंट शराब नहीं पी रहा हो, तो एक लीवर का ऑटोइम्यून डिसीज होता है, जिसमें लीवर फैटी हो जाता है और लीवर कमज़ोर हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाती है। तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा ओवेटिकोलिक एसिड टेबलेट का यूज किया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी प्रकार से लीवर में कोई भी दिक्कत हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा ओवेटिकोलिक एसिड टेबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसे के सिमिलर एक मेडिसिन है अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड। इसकी वीडियो मैंने बनाया है, यदि आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं ओवेटिकोलिक एसिड टेबलेट के डोज की तरफ। सामान्य रूप से ओवेटिकोलिक एसिड टेबलेट डॉक्टर द्वारा 5 मिलीग्राम की दिन में एक बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, और ये टेबलेट 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, और इस टेबलेट को 20 से 25 दिन का दिया जाता है। इसके अलावा यदि बहुत ही आवश्यकता होती है तो डॉक्टर द्वारा 5 से 10 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद लंबे समय तक दी जाती है, लेकिन इस टेबलेट की मैक्सिमम डोज पर डे के अनुसार 10 मिलीग्राम ही होती है। ये डोज डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार घटाकर या बढ़ाकर भी दे सकते हैं। 10 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार भी दे सकते हैं, इसके अलावा 5 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में दो बार भी दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट की तरफ। सामान्य रूप से इस टेबलेट के किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, फिर भी जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनमें से नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, इसके अलावा भी किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट दिखें तो ये दवा बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। ये टेबलेट सामान्य रूप से प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेशन मदर में नहीं दी जाती है, फिर भी यदि बहुत ही आवश्यकता होती है तो
तो डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार डोज एडजस्ट करके देते हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देखा गया है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो ओबेटिकोलिक एसिड टेबलेट की यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।